गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू ग्रुप में लिख देना दैट सरी स्टार्टिंग द क्लास तो जो लोग को भी और ज्वाइन करना है वो लोग कर लेंगे तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट इज लेवल एनविटी अभी भी लोग आ रहे हैं जस्ट गिव मी वन मिनट सब लोग प्लीज पुट द हेडिंग लेवल एनविटी लेवल एनविटी ठीक है ओके अब एकदम ध्यान देना एनबीटी का मतलब क्या होता है एनबीटी इज अ रेगुलर सीरीज ऑफ पेमेंट एनबीटी इज अ रेगुलर सीरीज ऑफ पेमेंट जैसे अगर मान लो दस साल का टाइम पीरियड है और हर साल के एंड में आपको एक रुपया का पेमेंट मिल रहा है फिक्स्ड इंटरवल्स माने हर साल के एंड हर आधे साल के एंड हर क्वार्टर के एंड एंड सो so ऑन फिक्स्ड इंटरवल्स और रेगुलर सीरीज ऑफ पेमेंट द टाइमिंग ऑफ पेमेंट इज नोन इट इज नॉट लाइक पेमेंट स्ट्रीम कि जब मन किया तब पेमेंट करेंगे नहीं द टाइमिंग ऑफ पेमेंट इज नोन एंड फिक्स टाइम इंटरवल्स ऐसा भी नहीं है कि पहले एक महीना के गैप में मिल रहा है, फिर दो महीना फिर तीन महीना ऐसा एनविटी नहीं होता है वो सब एकदम एक्सोटिक प्रोडक्ट्स में आएगा बट प्लेन वनीला को समझिए द पेमेंट कैन बी कंटिन्यूस थ्रू आउट द ईयर द पेमेंट कैन बी एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर द पेमेंट कैन बी एट द एंड ऑफ द ईयर तो हर साल के एंड पे पैसा मिल रहा है इसको बोलेंगे एनविटी एक रेगुलर सीरीज ऑफ पेमेंट को हम लोग बोलेंगे एनविटी ठीक है अब जैसे एनविटी इंक्रीज हो सकता है विद टाइम जैसे समझो मैं बोलता हूं पहला पेमेंट पचास का है दूसरा पेमेंट सौ का फिर डेढ़ सौ फिर दो सौ तो हर पेमेंट पचास से बढ़ रहा है ऐसा भी हो सकता है देखो फिफ्टी हंड्रेड 150, 200, 250, 300, ये भी एनविटी हुआ इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग एनविटी डिक्रीजिंग एनविटी क्या होगा 300, 250, ढाई सो दो सो एन सो ऑन ठीक है अगर साल के एंड में हो रहा है तो उसको बोलेंगे अरियर्स पेबल एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड साल साल बार बार बोल रहा हूं बिकॉज स्टैंडर्ड होता है एंड ऑफ द टाइम पीरियड होगा तो बोलेंगे अरियर्स अगर स्टार्ट ऑफ द पीरियड होगा तो बोलेंगे एडवांस ओके नाउ इट्स ऑडिबल आई गेस द वॉज सम इशू नाउ इट्स परफेक्टली ऑडिबल ओके ओके गेस किसी ने मेरे को म्यूट कर दिया था शैतान बच्चे देखो तो अगर मान लो पचास सौ डेढ़ सौ दो सौ ढाई सौ ऐसा है तो इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग और अगर मान लो ऐसा है तीन सौ मैंने एक कंसिस्टेंसी होना चाहिए ऐसा नहीं होगा कि तीन सौ है ऐसा देखो इसको एनमिटी नहीं बोलेंगे जैसे मान लो पहला तुम्हारा तीन सौ हुआ फिर 260 हुआ फिर 230 हुआ फिर 200 हुआ ये एनविटी नहीं हुआ क्योंकि पहले में 40 का है फिर 30 का है फिर 30... ऐसे कंसिस्टेंसी होना चाहिए अगर मान लो एक रेट से बढ़ रहा है रेट मतलब बोलेगा पहला पेमेंट 100 का है फिर बोलेगा दूसरा पेमेंट 100 इंटू वन का है तो एक रेट से भी एनविटी बढ़ सकता है ठीक है अगर साल के शुरुआत में है तो उसको बोलेंगे एडवांस अगर साल के एंड में है तो उसको बोलेंगे अरियर्स और अगर मान लो कंटिन्यूअस है तो उसको बोलेंगे कंटिन्यूअस। थ्रू आउट द ईयर अगर पेमेंट हो रहा है तो ये सब एनविटी के फॉर्म्स है लेकिन एनविटी है क्या रेगुलर सीरीज ऑफ पेमेंट आफ्टर फिक्स टाइम इंटरवल्स ठीक है लेवल एनविटी सबसे पहले पढ़ेंगे लेवल एनविटी सबसे पहले पढ़ेंगे तो लेवल एनविटी का मतलब क्या है लेवल एनविटी का मतलब क्या है समान लेवल मतलब समान पचास 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 एंड सो ऑन माइक ऑफ करो ठीक है अब एक चीज देखना सुनते जाओ क्या निकालने बोलेगा क्वेश्चन ये है क्या निकालने बोलेगा ये मेरा क्वेश्चन है देखो एन ईयर्स का एनवीटी है ठीक है तो हम लोग को क्या बोल सकता है यहां पर एवी निकालो या फिर यहां पर पीवी निकालो दो ही चीज बोल सकता है एमरीली सॉरी really अगले क्लास से 10 मिनट के बाद और किसी को भी एंट्री नहीं दूंगा इट्स वेरी डिस्टर्बिंग अगर मान लो हम लोग को बोलता है एनबीटी हम लोग दे रहे हैं परपस क्या है समझना अगर मान लो आज मेरा एज है 24 ठीक है आज मेरा एज अगर है 24 और अगर मान लो मेरे को यह है कि मेरे को 34 पे एमबीए करने जाना है जिसका कॉस्ट है टू करोड़ तो हम हर साल या फिर हर महीने कितना रुपया जमा करें ताकि मेरे को यहां पर दो करोड़ रुपया मिले सो दिस इज माई अक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ द एनविटी मेक सेंस ठीक है और अगर मान लो हमको ऐसा बोलता है जैसे नॉर्मली जो रिटायर्ड आदमी होता है जैसे मान लो आज उस आदमी का एज है सिक्सटी उसने अपना पूरा जिंदगी भर कमा के दस करोड़ रुपए इकट्ठा किया अब उसका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो अब वो ये चाहता है कि वो ये पैसा एल को दे दे और बदले में जब तक वो जिंदा रहेगा एल उसको हर महीना एक अमाउंट देगा ठीक है तो ये क्या हो गया जो एनविटी उसको मिलने वाला है उसका प्रेजेंट वैल्यू आज अगर मान लो मेरे पास में दस करोड़ रुपया है अब और हम काम नहीं करना चाहते तो हम बैंक के पास में जाएंगे बोलेंगे ये लीजिए दस करोड़ रुपया आप आने वाला साल हर महीना मेरे को पांच पांच लाख रुपया करके दीजिए या फिर कोई भी एक अमाउंट जो वो निकालेगा जो हम लोग निकालना सीखेंगे तो वो जो दस करोड़ हो गया वो क्या हो गया वो हो गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी तो दो ही चीज निकालने बोल सकता है या तो बोलेगा प्रेजेंट वैल्यू निकालो या फिर बोलेगा अक्यूमुलेटेड वैल्यू निकालो ठीक है यहां तक सबको ठीक है यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ठीक है यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ओके okay. ओके okay. अब ध्यान देना हेडिंग लगाना हेडिंग लगाना सबसे पहले हम लोग जो केस करेंगे वो करेंगे अरियर्स का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एनविटी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एनविटी पेड इन अरियर्स ठीक है ध्यान दो ये जीरो है ये वन है ये टू है ये थ्री है ये फोर है ये फाइव है और ये डॉट 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 ये एन है ठीक है एन ईयर्स का एनविटी है रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो आई परसेंट कुछ भी कुछ भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो पहला जो पेमेंट होगा वो यहां पर होगा दूसरा जो पेमेंट होगा वो यहां पर होगा उसके बाद में जो पेमेंट होगा वो यहां पर होगा फिर यहां पर होगा फिर यहां पर होगा फिर यहां पर होगा टाइम जीरो पे कोई पेमेंट नहीं होगा क्योंकि अरियर्स बोला है मतलब एंड ऑफ द पीरियड में पेमेंट होगा अगर मान लो एन ईयर्स का है तो टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स कितने होंगे एन अगर मैं आप लोग से बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स कितने होंगे एन पेमेंट्स होंगे ठीक है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो आई परसेंट है हम लोग का आई इन डेसिमल्स, आई है रेट ऑफ इंटरेस्ट इज आई ठीक है अब मेरे को निकालने बोला प्रेजेंट वैल्यू और ये सारे के सारे जो पेमेंट है मान लो ये वन रुपी के ये वन रुपी के एक रुपए का सारा का सारा पेमेंट है ठीक है आप लोग मेरे को ये बताएंगे कि हम लोग इसको पुल बैक कैसे करेंगे टानेंगे कैसे टानेंगे कैसे मतलब जो प्रेजेंट वैल्यू निकलेगा तो पहला वाला जो पेमेंट है जो एक रुपया का होगा उसको एक साल टानेंगे मतलब वी या फिर वन इंटू वी जो दूसरा वाला जो पेमेंट होगा वो एक रुपया का होगा उसको दो साल टानेंगे मतलब वन इंटू वी स्क्वायर सारे के सारे पेमेंट एक रुपए के ऑल द पेमेंट ऑफ रूपी वन अब आपके एग्जाम में आएगा पचास रुपया सौ रुपया डेढ़ सौ रुपया तो वो करेंगे डेढ़ सौ रुपया सौ रुपया थर्ड पेमेंट है वन वी प्लस दौत 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 जो लास्ट पेमेंट होगा वन इंटू वी टू दावर एन ये क्या है यह है तुम्हारा जीपी सीरीज यह क्या आ रहा है मेरा वी प्लस वी स्क्वायर प्लस वी क्यू प्लस डॉट 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 वी टू दावर एन ठीक है अब इसमें लगाओ जीपी सीरीज ए वन माइनस आर टू power एन बाय वन माइनस आर वेर आर इज दॉमन रेशियो फर्स्ट टाइम मेरा है वी वन माइनस आर क्योंकि यहां पर आर तुम्हारा वन से कम है वी क्या होता है वन बाई वन प्लस आई और आई तुम्हारा पॉजिटिव मान के चलेंगे तो आई कुछ भी होगा अगर वन परसेंट भी होगा तो भी तो वन बाई वन पॉइंट जीरो वन हो गया तो वन माइनस वी टू दी पावर एन एंड क्या हो गया नंबर ऑफ टर्म्स तो यहां पर एंड पेमेंट्स है तो एंड टर्म्स हो गए होल डिवाइड बाय वन माइनस वी ठीक है तो क्योंकि कॉमन रेशियो यहां पर वी है तो क्या आएगा मेरा वन माइनस वी टू दावर एन और ये वाला जो वी है इसको नीचे ले जाओ तो वन माइनस क्या होता है डी याद करिए क्योंकि वन माइनस डी वी होता है एंड वन माइनस वी डी होता है तो डी बाई वी डी क्या होता है आई बाई वन प्लस आई एंड वी क्या होता है वन बाई वन प्लस आई तो अल्टीमेटली आएगा क्या वन माइनस वी टू दी पावर एन बाय आई ये मेरा फॉर्मूला बन गया एनवीटी पेड इन अरियर्स का इसका जो नोटेशन है देख लो स्मॉल है नीचे में एन और ये एक ऐसा घर टाइप का दिस इज ए एन अन, एनविटी Paid in arrears for n years at i rate of interest. Liklo. This is the present value of an annuity paid in arrears for n years at i percentage. ऑफ री वन री वन मतलब रूपी वन सबको समझ में आ रहा है अप जिसको नहीं समझ में आया हैंड रेस यू कैन आस्क योर डाउट्स किंजल गोस्वामी जी आपको समझ में आ रहा है वेरी गुड पल्लक जी आपको समझ में आ रहा है वेरी गुड कुछ नहीं है ये वाला जो वी है इसको नीचे लेके गए हैं ठीक है तो क्या आ रहा है वन माइनस वी तुम्हारा डी होता है क्योंकि तो वन माइनस डी हो गया एक साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर इसको देख लो आराम से अगर यह खत्म ना तो फिर सब खत्म मैंने और कुछ नहीं बच गया सिलेबस में ठीक है तो अब हम लोग क्या करेंगे अब हम लोग निकालेंगे अक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ एन एनविटी ऑफ री वन फॉर एन ईयर्स एट द रेट आई परसेंटेज ठीक है तो ध्यान दीजिएगा यहां पर हमने क्या किया था यहां पर हमने क्या किया था इसको यहां लेके आए थे इसको यहां लेके आए थे समझ रहे हो? ताने थे अब देखो क्या करेंगे ध्यान देना पेमेंट कहां कहां होगा यहां पर होगा यहां पर होगा यहां पर होगा और यहां पर भी होगा तो ध्यान देना पहला वाला जो पेमेंट होगा उसको कितना साल आगे लेके जा रहे हैं एन गलत एन माइनस वन क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इयर्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ इयर्स एन है पहला पेमेंट जो हो रहा है वो पहला साल के एंड पे हो रहा है तो आउट ऑफ एन ईयर्स एक साल तो हो गया तो अब और कितना साल बचा अक्यूमुलेट करने के लिए अब और कितना साल बचा अक्यूमुलेट करने के लिए n माइनस वन ईयर्स इसको कितना साल अक्यूमुलेट करेंगे एन माइनस टू इसको एन माइनस थ्री एंड सो ऑन एंड ये वाला जो पेमेंट है इसका वैल्यू टाइम एन पे तो वन ही रहेगा अगर आप आज का वैल्यू आज का एक रुपए का वैल्यू आज निकालोगे तो एक ही ना रुपया आएगा ठीक है तो अक्यूमुलेटेड वैल्यू का जो नोटेशन है वो ध्यान देना एस एन एस एन एस है ठीक है कैपिटल एस है इज इक्वल टू वन प्लस आई होल टू पावर एन माइनस वन प्लस वन प्लस आई होल टू पावर एन माइनस टू प्लस वन प्लस आई होल टू पावर एन माइनस थ्री प्लस डॉट 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 एन माइनस वन पे जो पेमेंट हुआ है उसका वैल्यू एट टाइम एन इस वॉट वन प्लस आई और एंड पे जो पेमेंट हो रहा है एक रुपया का उसका वैल्यू एट टाइम एन इज वॉट एक रुपया मतलब सारे के सारे पेमेंट को अगर प्रेजेंट वैल्यू बोलेगा तो जीरो पे लेके जाना है और अगर अक्यूमुलेटेड वैल्यू बोलेगा तो टाइम एंड पर लेके जाना है दिस इज अक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ एन एनविटी अब इसको उल्टा कर दो प्लीज यू नीड टू टाइप योर डाउट इसको उल्टा कर दो वन प्लस वन प्लस आई प्लस वन प्लस आई का स्क्वायर प्लस डॉट 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 वन प्लस आई होल टू दी पावर एन माइनस वन कोई बच्चा बता सकता है इसमें कितने टर्म्स हैं इसमें कितने टर्म्स हैं इसमें है एन टर्म्स इसमें है एन टर्म्स वन का मतलब क्या है वन प्लस आई टू पावर जीरो क्योंकि जो टाइम एंड पर जो पेमेंट हुआ वो तो अक्यूमुलेट हुआ ही नहीं ना मुनमुन जी आपको आपका डाउट टाइप करना पड़ेगा एक जन लिखा इट्स एवी पेड इन अरियर्स इट्स एवी पेड इन अरियर्स हा एवी मतलब अक्यूमुलेटेड वैल्यू वी आर कैलकुलेटिंग दी अक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ एन एनवीटी आर वी कंसिडरिंग एन माइनस वन वाह मैने सोचो अगर एन ईयरस है पहला पेमेंट टाइम वन पे हो रहा है तो कितना साल और आगे लेके जा रहे हैं एन माइनस वन ईयर आगे लेके जा रहे हैं ना बेटा आप टाइम वन से एन पर लेके जा रहे हो सॉरी आप टाइम वन से उसको एन पर लेके जा रहे हो तो एन माइनस वन ईयर्स के लिए अक्यूमुलेट कर रहे हो ना फिर दूसरे वाले को एन माइनस टू ईयर्स के लिए क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ईयर्स इज एन अक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ एन एनविटी ऑफ वन रूपीज विच इज पेड फॉर एन ईयर्स एट द द एंड ऑफ ईयर बिकॉज इट इज इन अरियर्स अभी हम लोग अरियर्स वाला ही केस कर रहे हैं अभी हम लोग अरियर्स वाला ही केस कर रहे हैं ठीक है मुनमुन जी आपको आपका डाउट टाइप करना पड़ेगा आपने टाइप किया बाय मिस्टेक रेज हो गया वाह वेरी गुड संभव गोयल बोल रहे कोई एग्जांपल लेकर समझाओ अगर मान लो हर साल के एंड में सौ सौ रुपया दे रहे हैं दस साल के लिए इसका मैं क्या एग्जांपल लू मान लो हर साल के एंड मतलब क्या आई एम डिपोजिटिंग इन अ बैंक फॉर टेन ईयर एट दिच इयर रुपीज हंड्रेड कैलकुलेट दंड वैल्यू इन द बैंक आफ्टर टेन ईयरस ये हो गया इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैंने हर साल के एंड पे सौ सौ रुपया करके जमा कर रहे हैं ठीक है हर साल के एंड पे सौ सौ रुपया करके जमा कर रहे हैं दस साल के बाद फंड में कितना रुपया होगा यह बताओ ठीक है अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे यह बताओ ये क्या हो गया जीपी सीरीज और यहां पर अब आर का जो वैल्यू है वो क्या है वन से बड़ा वन से बड़ा है ना आर का वैल्यू वन प्लस आई है तो क्या होगा ए आर टू पावर एन माइनस वन बाय आर माइनस वन तो वन प्लस आई होल टू द पावर एन माइनस वन बाय आई दिस इज फॉर्मूला फॉर एस एन ध्यान देके देख ठीक है ओके okay, अब नेक्स्ट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एनविटी पेड इन एडवांस फॉर एन यर्स ऑफ री वन एट आई परसेंट एवी भी निकालना है और पीवी भी निकालना है इसका मैं आप लोग को ग्राफ बना के देता हूं अब आप लोग को सॉल्व करना है इसको ये जीरो वन टू थ्री फोर डॉट डॉट एन माइनस वन और यहां पर एन तो अब क्या होगा हर साल के स्टार्ट में पेमेंट होगा मतलब बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर ध्यान देना बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर बिगिनिंग ऑफ फोर्थ ईयर बिगिनिंग ऑफ एन एथ ईयर तो एंड ऑफ एन एथ ईयर पे कोई पेमेंट नहीं होगा बिकॉज एनविटी इज फॉर एन ईयर एंड टाइम एंड डिनोट द एंड ऑफ एन प्लस द एनविटी इज ओनली फॉर एन ईयर तो टाइम एंड पे कोई पेमेंट नहीं होगा ठीक है तो मतलब टाइम जीरो पे पेमेंट हो रहा है वन पे हो रहा है टू पे हो रहा है थ्री पे हो रहा है फोर पे हो रहा है डॉट 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 एन माइनस वन पे हो रहा है बिकॉज एन माइनस वन मार्क्स बिगिनिंग ऑफ द एन ईयर तो हर टाइम पीरियड के स्टार्ट में पेमेंट हो रहा है अब मेरे को इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है और अक्यूमलेटिव वैल्यू निकालना है सारे के सारे पेमेंट्स एक रुपए के हैं टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स एन ठीक है टाइमिंग ऑफ पेमेंट पहला पेमेंट हो रहा है जीरो पे फिर वन पे फिर टू पे फिर थ्री पे डॉट 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 एन माइनस वन पे अब आपको क्या करना है इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है जो कि जीरो पे निकलेगा और इसका अक्यूमुलेटेड वैल्यू निकालना है जो कि टाइम एन पर निकलेगा ठीक है तो निकालिए मैं आप लोग को दस मिनट का टाइम देता हूं निकालिए व्हाट इज द आंसर सब लोग बताइए क्या आंसर आ रहा है आप लोग सबका ध्यान दीजिएगा सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू की अगर हम लोग सब बात करें तो नोटेशन पे ध्यान दीजिएगा ए ड्यू एन डी इज द वर्ड दैट वी यूज फॉर एडवांस ए ड्यू एन तो ये क्या आएगा वन प्लस v प्लस वी स्क्वायर प्लस वी क्यू प्लस डॉट 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 वी टू दावर एन माइनस वन तो क्या आ जाएगा ए वन माइनस आर टू दावर एन बाय वन माइनस आर तो वन माइनस वी टू पावर एन बाई डी ठीक है देख लो इसको आराम से वन माइनस वी टू पावर एन बाई डी क्या चीज नहीं वन से वी टू पावर एन माइनस वन है तो जीरो से एन माइनस वन कितना टर्म्स हुआ जीरो से एन माइनस वन एन टर्म्स हुआ ठीक है क्योंकि टाइम जीरो पे जो वन रुपीज का जो पेमेंट हो रहा है उसका वैल्यू टाइम जीरो पे वन ही रहेगा ठीक है साक्षी साक्षी ठीक है हां तो वन माइनस वी टू पावर एन बाय डी ये कितने लोगों का आया थम्स अप दिखाओ सबका ही आया सबका ही आ गया वेरी गुड वेरी गुड देख लो इसको अब अगर मान लो अक्यूमुलेटेड वैल्यू निकालना है तो उसका नोटेशन इज एस डू एन एस डी एन तो ये क्या आएगा ध्यान देना वन प्लस आई होल्ड टू दी पावर एन क्योंकि जीरो से एन पे लेके जाना है जो टाइम जीरो पे पेमेंट हुआ है उसको एन ईयर के लिए अक्यूमुलेट करना है फिर जो टाइम वन पे पेमेंट हुआ है उसको एन माइनस वन के लिए एंड डॉट 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 जो लास्ट पेमेंट है उसको अपने एक साल के लिए अक्यूमलेट करेंगे वन प्लस आई जो लास्ट वाला पेमेंट है उसको अपने एक साल के लिए अक्यूमलेट करेंगे ठीक है तो ध्यान दो इसमें अब इसको उल्टा कर लो तो वन प्लस आई प्लस वन प्लस आई का स्क्वायर प्लस डॉट 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 वन प्लस आई होल टू पावर एन तो क्या हो जाएगा ए आर टू दावर एन माइनस वन by आर माइनस वन अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो i बाई वन प्लस आई क्या हो जाएगा d तो मतलब वन प्लस आई होल्ड टू दावर n माइनस वन बाय d ध्यान दो इस पर देख लो इसको दिस इज एस ड्यू एन देखो इसको आया साक्षी आपका आ रहा है साक्षी इज लुकिंग अबिट कंफ्यूज वो देख भी नहीं रहे मेरी तरफ यस वेरी गुड हाँ ऐसे ऐसे हां ऐसे दिखाना चाहिए ना दीपेश राठी वेरी गुड अंश गुप्ता सीधा बैठो वाओ देखो रचित यादव वो पूरा एकदम फॉरेस्ट टाइप का बैकग्राउंड लगा रखा है वो सही में वहां पर है इज दिस वर्चुअल और रियल वर्चुअल बैकग्राउंड है ठीक है नेक्स्ट अब हम लोग चारों को एक जगह पे लिखते हैं यहां पर लिखना समरी ठीक है चलो रुको समरी अभी मत लिखो दो और कर लेते हैं कंटिन्यूअसली पेबल एंडविटीज तो कंटिन्यूअसली पेबल जो है इसमें जो रोटी है ना रोटी ये हम लोग का वन है ठीक है रोटी जो है आराम से पीछे से पीछे से पीछे पीछे से पीछे से हाँ. एक सेकंड देना एक सेकंड देना बस एक मिनट हाँ. हाँ जा, जा लगा 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 अब तुम उठना देख के नहीं तो लग जाएगा एकदम ध्यान से नहीं तो बहुत जोर बहुत जोर लगेगा हाँ उठना मत नेक्स्ट क्लास फिक्स हो जाएगा।, वो प्रोजेक्टर लग जाएगा ना लगा भाई एक्चुअली उसमें कुछ इशू हो रहा है बस लग गया ओके okay. तो जो रोटी है ना रोटी वो मेरा वन है और एन ईयर्स के लिए हो रहा है पेमेंट स्ट्रीम याद करिए सब लोग पेमेंट स्ट्रीम याद करिए रोटी मेरा वन है और ये जो हो रहा है ये एन ईयर्स के लिए हो रहा है एंड जो फोर्स ऑफ इंटरेस्ट है ना वो मेरा डेल्टा ठीक है तो प्रेजेंट वैल्यू अगर मेरे को निकालना हुआ तो कैसे निकालेंगे इंटीग्रेशन जीरो से एन रोटी एक्सपोनेंशियल माइनस जीरो पे लाना है टी पे जो पेमेंट हुआ है डेल्टा डीएस होल इनटू डीटी बोलो ना हां ठीक है तो आराम से देख लो आराम से देख लो ठीक है तो रोटी मेरा वन हो गया रोटी मेरा वन हो गया एक्सपोनेंशियल माइनस जीरो पे लाना है टाइम टी पर जो पेमेंट हुआ है फोर्स ऑफ इंटरेस्ट इज डेल्टा तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन जीरो से एन ई टू माइनस डेल्टा टी डी टी और ई e टू का इंटीग्रेशन क्या होता है ई टू दाय एम तो दिस इज इक्वल टू ई टू माइनस डेल्टा टी बाय माइनस डेल्टा जीरो टू एन अब वैल्यू डालिए वैल्यू डालिए माइनस वन बाय डेल्टा ई टू द पावर माइनस डेल्टा एन माइनस वन माइनस को अब अंदर ले जाइए तो वन माइनस ई टू दावर माइनस डेल्टा एन बाय डेल्टा और इसका जो नोटेशन है ये है ए बार एन ए बार एन ध्यान से देख लो ठीक है तो कोई भी दिक्कत ओके okay. नेक्स्ट अब अगर मान लो अक्यूमुलेटेड वैल्यू निकालना हो तो कैसे निकालेंगे अक्यूमुलेटेड वैल्यू निकालना हो तो कैसे निकालेंगे एस बार एन जो होगा वो कैसे आएगा देखो इंटीग्रेशन जीरो से एन वन इंटू एक्सपोनेंशियल टाइम टी पर जो पेमेंट हुआ उसको एन पे लेके जाएंगे है कि नहीं टाइम टी पर जो पेमेंट हुआ उसको एन पर लेके जाएंगे ना क्योंकि अक्यूमुलेट कर रहे हैं डेल्टा डीएस होल into dt डी लिखो मत मेरे पीछे पीछे गलत कर रहे हैं रुक जाओ एक मिनट तो क्या होगा ई टू दि पावर डेल्टा एन माइनस टी करेक्ट डी तो क्या बोल सकते हैं ई टू दावर डेल्टा एन तो बाहर हो जाएगा ना क्योंकि इंटीग्रेशन तो का है इंटीग्रेशन जीरो से एन ई टू दी पावर माइनस डेल्टा टी डी टी जस्ट अभी ये अलग कराए जस्ट अभी ये कराए, e टू दी पावर माइनस डेल्टा टी जीरो से एन देखो यस और नो जस्ट अभी ये अलग कराए तो इसका आंसर लिख दो वन माइनस ई टू माइनस डेल्टा एन बाय डेल्टा अब ई टू दर डेल्टा एन को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो so, e टू पावर डेल्टा एन माइनस वन बाय डेल्टा दिस इज s बार एन कॉपी करिए इसको देखिए ये सब जो सॉल्विंग स्किल्स है ना ये सबको अपने अंदर लाइए ये सब सॉल्विंग स्किल्स एकदम अंदर से आना चाहिए ओके okay. तो अभी हम लोग क्या किए एंडवी पेबल कंटिन्यूअसली फॉर इयर्स ठीक है देख लीजिए इसको आइए अब हम लोग बनाएंगे एक समरी सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टी एंड एन एन बेटा लास्ट टाइम है जब तक आपका पेमेंट हो रहा है एंड टी टाइम ऑफ पेमेंट है ना कंटिन्यूस में कंटिन्यूस में टी क्या होता है टाइम ऑफ पेमेंट ठीक है नाउ विल मेक अ समरी चार्ट तो इसमें सबसे पहले ए एन सब लोग देख देख के आंसर लिखो वन माइनस वी टू दावर एन बाय आई फिर ए डी यू एन वन माइनस वी टू दावर एन बाय डी फिर क्या आएगा ए बार एन वन माइनस ई टू दावर माइनस डेल्टा एन बाय डेल्टा ठीक है उसके बाद में एस एन वन प्लस आई होल टू दावर एन माइनस वन बाय आई उसके बाद में एस डी यू एन वन प्लस आई होल टू दावर एन माइनस वन बाई डी उसके बाद में एस बार एन वन सॉरी वन नहीं था ई टू पावर डेल्टा एन माइनस वन बाय डेल्टा ये मेरा छह टो फॉर्मूला है लेवल एनविटी का जो मैंने आप लोग सबको कराया एंड इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट तो ये हमने अभी तक इनका प्रूविंग किया है एंड फॉर योर काइंड नॉलेज ई टू पावर डेल्टा एन इज एन इस का अक्यूमुलेशन फैक्टर तो इसको हम लोग वन प्लस आई टू दी पावर एन भी लिख सकते हैं ई टू दी पावर माइनस डेल्टा एन इज वॉट एन ईयर्स का डिस्काउंटिंग फैक्टर तो इसको हम लोग वी टू दी पावर एन भी लिख सकते हैं करेक्ट सबको समझ में आ रहा है यस yes? आ ah. अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे प्रैक्टिस प्रैक्टिस सब लोग अपना कैलकुलेटर निकाल लो अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो so, निकालो ए टेन एट द रेट फाइव परसेंट इसका मतलब क्या है एनविटी फॉर टेन इन द एनअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फाइव परसेंट तो कैसे करेंगे वन माइनस वी टू पावर टेन और वी क्या होता है वन पॉइंट जीरो फाइव टू पावर माइनस वन तो टू पावर माइनस टेन हो जाएगा होल डिवाइडेड बाय पॉइंट जीरो फाइव देख लो इसको आराम से वन माइनस वी टू दावर टेन बाय आई ओके okay, आंसर सब लोग कमेंट बॉक्स में पोस्ट करेंगे सब लोग आंसर कमेंट बॉक्स में पोस्ट करेंगे विनम्र अरोड़ा आंसर चाहिए तुमसे आंसर कितना रहा है सेवन पॉइंट सेवन टू वन सेवन थ्री ठीक है नेक्स्ट नंबर टू एड यू एट एट द रेट नाइन परसेंट तो क्या हो जाएगा वन माइनस वन पॉइंट जीरो नाइन टू दी पावर माइनस एट बाय नीचे में डी आएगा तो पॉइंट जीरो नाइन बाय वन पॉइंट जीरो नाइन वेरी गुड करो इसको सॉल्व करो तकलीफ नहीं हो रहा ना बैठने में कितना आ रहा है सिक्स पॉइंट जीरो थ्री ठीक है इसके बाद नंबर थ्री नंबर थ्री एस एट एट द रेट थ्री पॉइंट फाइव परसेंट तो कैसे करेंगे ध्यान देना वन पॉइंट जीरो थ्री फाइव टू दी पावर एट माइनस वन बाय पॉइंट जीरो थ्री फाइव नंबर फोर देखिए एस 12 यू ट्वेल्व एट द रेट फिफ्टीन परसेंट तो कैसे करेंगे वन पॉइंट वन फाइव टू दावर ट्वेल्व माइनस वन बाय पॉइंट वन फाइव बाय वन पॉइंट वन फाइव नाइन पॉइंट नाइन पॉइंट फाइव वन सिक्स एट सिक्स और फोर्थ वाला कितना आ रहा है हाँ? आया अब देखो नेक्स्ट अब एस बार फोर निकालना है व्हेन डेल्टा इज गिवन एज टेन परसेंट ठीक है अब एस बार फोर निकालना है पे डेल्टा इज टेन परसेंट तो कैसे करेंगे ई टू दी पावर डेल्टा एन मतलब जीरो पॉइंट वन इन टू फोर माइनस वन बाय जीरो पॉइंट वन यही तो होगा ना ए बार एन वेन आई इज फाइव परसेंट तो अब यहां पर क्या करेंगे वन माइनस वन सॉरी ए बार एन लिख दिया मैंने भूल से ए बार एट तो वन माइनस वन पॉइंट जीरो फाइव टू दी पावर माइनस एट बाय नीचे में डेल्टा आएगा तो एल एन वन पॉइंट जीरो फाइव करके बताओ कितना आ रहा है एस बार फोर का 4.08 1077 और इसका कितना आ रहा है सुरभि पटवारी लास्ट वाला कितना आ रहा है फोर पॉइंट नाइन वन एट टू फोर सिक्स आर्या का तो अलग ही आंसर आ रहा है और उसके पहले वाले का क्या आ रहा है हाँ ये भी गलत है क्या फोर पॉइंट फिफ्थ वाले का कितना आ रहा है पहले ये बताओ फोर पॉइंट नाइन वन एट आएगा फोर पॉइंट नाइन वन एट टू खुशी शर्मा आपका यही आंसर आ रहा है फिफ्थ वाले का और सिक्स वाले का क्या आ रहा है सिक्स पॉइंट सिक्स टू थ्री सारा मिश्रा आपका आ रहा है दोनों आंसर आया 4.9182 वंदिका जी आपका आ रहा है सारा आंसर आया एक मिनट देना बस हाँ विल नॉट डू प्रैक्टिस जस्ट एक मिनट देना चलो अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे मिक्स सम्स हेडिंग लगा दो ठीक है क्वेश्चन डिक्टेट कराऊंगा लिखना है ठीक है लिखो अ थ्री मंथ लोन पहला क्वेश्चन अ थ्री मंथ लोन इज टू बी पेड फॉर रुपीज थ्री लैख अ थ्री मंथ लोन इज टू बी पेड फॉर रुपीज थ्री लैख एंड रेट ऑफ कमर्शियल डिस्काउंट इज एट परसेंट पर एनम अ थ्री मंथ लोन is to be paid for rupees 3 lakh and the rate of commercial discount is 8% per annum how much was the amount of the loan how much was the amount of the loan a 3 month loan is to be paid for rupees 3 lakh and the rate of commercial discount is 8% per annum हाउ मच वॉज द अमाउंट ऑफ द लोन ध्यान देना बोलता है लोन जब चुकाएंगे तो तीन लाख रुपए चुकाएंगे एंड कमर्शियल डिस्काउंट का रेट दे दिया है लोन जब चुकाएंगे तो तीन लाख रुपए चुकाएंगे तो प्रेजेंट वैल्यू निकालना और कमर्शियल डिस्काउंट ही दिया है तो थ्री लाख वन माइनस एन क्या हो जाएगा थ्री बाई ट्वेल्व इन टू पॉइंट जीरो एट सोल्व कर लीजिए आंसर आ जाएगा तीन लाख मेरा एवी हो गया ना ये मेरा एवी हो गया मेरे को पीवी निकालना है मैंने लोन जब दिया तो वो प्रेजेंट वैल्यू था ईशा का आंसर बिल्कुल सही है टू लैख नाइन्टी फोर थाउजेंड इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन का वर्डिंग समझिए अ थ्री मंथ लोन इज टू बी पेड फॉर रुपीज थ्री लैख एंड द रेट ऑफ कमर्शियल डिस्काउंट इज एट परसेंट पर एनम हाउ मच वॉज द अमाउंट ऑफ द लोन मतलब लोन अमाउंट कितने का था ठीक है हाउ मच वॉज दी अमाउंट मतलब लोन का अमाउंट कितना था तो प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो कमर्शियल डिस्काउंट लगा माइनस एंडी करके ठीक है तो सबको क्लियर है एकदम ओके अभी अपने देखो मेरे जो शीट्स थे वो मैंने विड्रॉ कर लिए ठीक है तो वो शीट्स हम लोग को नहीं करना है जो जो उनमें कुछ 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 क्वेश्चन है वो मैं डिक्टेट करा के आप लोगों को करा दूंगा ठीक है एंड आई विल सेंड यू ऑल अ न्यू कंपाइलर ओके इट इज इन प्रोसेस So, you all will get the new compiler as well. So, we will just follow the new compiler. Okay? आ जाओ आई फोर दिया हुआ है पॉइंट जीरो सेवन डी टू निकालना है तो कैसे करेंगे वन प्लस आई फोर बाय फोर होल टू पार फोर इज इक्वल टू वन बाय वन माइनस डी टू बाय टू का स्क्वायर तो यहां से सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है यहां सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है

Next, Lico One thousand is paid at time six years. One thousand is paid at time six years. Find the present value at time 4 years. Find the present value at time 4 years using a force of interest. Using a force of interest, delta t is equal to 0.02t plus 0 0.01. मैंने टाइम सिक्स पे हजार रुपए का पेमेंट हुआ है मेरे को टाइम फोर पे उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे वन थाउजेंड एक्सपोनेंशियल माइनस टाइम फोर पे लाएंगे टाइम सिक्स पे जो पेमेंट हुआ है पॉइंट जीरो टू टी प्लस पॉइंट जीरो वन होल इंटू डी टी ठीक है ध्यान दीजिएगा इस पर करिए इसको बताइए कितना आ रहा है आंसर बताइएगा एट जीरो टू पॉइंट फाइव वन एट आया सबका ये वाला सबका आगे है ला ठीक है ठीक है